आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सागरिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। मणिपुर बीते 80 दिनों से हिंसा की आग में जूझ रहा है। बुधवार की शाम से जब से दो लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाने और फिर उनके साथ बदतमीजी करने का वीडियो सामने आया, उसके बाद माहौल और खराब हो गया है। इसी कड़ी में महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले एक मुख्य आरोपी के घर को भीड़ ने जला डाला। देखिए रिपोर्ट। बगावत, मुखालपत, प्यार और तकरार, दिल के इतने करीब फिर भी क्यों है दूरियां। जरा कल्पना कीजिए क्या होगा अगर राजधानी दिल्ली लगातार दो महीने तक हिंसा की आग में जलती रहे। उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा जैसे प्रभावशाली राज्यों में महीनों तक दंगे भड़कते रहे। ऐसे में क्या ना महाराष्ट्र की सियासत बड़ी खबर बन पाएगी और ना दिल्ली की बाढ़। इन सभी राज्यों की अहमियत है, मुद्दे भी बनते हैं, लेकिन देश का एक राज्य 2.5 महीने से हिंसा की दस में झेल रहा है, वहां जनजाति ठप है मगर सियासत से लेकर आम जनमानस तक में चुप्पी है। ऐसी चुप्पी जो पूर्वोत्तर से बाकी भारत के रवैये पर सवाल उठाती है। क्या वजह है कि पूर्वोत्तर में होने वाली बड़े से बड़ी घटना राष्ट्रीय मुद्दा बन नहीं पाती? क्यों पूर्वोत्तर के राज्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है? मणिपुर की घटना के बाद आज ये सवाल पूर्वोत्तर राज्यों के हर नागरिकों के मन में है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम को 7 सिस्टर और 1 ब्रदर कहा जाता है। ये राज्य आपस में तो भाई बहनों की तरह रचे बसे हैं, लेकिन एक दूसरे से इनके विवाद भी किसी से छिपे नहीं है। कहने को तो पूर्वोत्तर के राज्य देश का हिस्सा है, लेकिन उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों की तुलना में ये मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट नहीं कर पाए। इन 8 राज्यों की 99% सीमाएं अन्य देशों से सटी है। यही वजह है कि मेनलैंड इंडिया के मुकाबले यहाँ की संस्कृतियों और भाषाओं में खासा अंतर देखने को मिलता है। मणिपुर में उग्रवाद के साथ साथ जातीय संघर्ष भी है। यहाँ मैतेई और नागा कुकी के बीच संघर्ष होता है। मणिपुर में मैतेई लोगों की आबादी 53% से ज्यादा है, लेकिन इनके पास जनजाति यानी एसटी का दर्जा नहीं है, जबकि नागा और कुकी एसटी है। मैतेई लंबे समय से एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। आरक्षण की व्यवस्था होने के कारण मैतेई सिर्फ जमीनी इलाकों पर ही बस सकते हैं, जबकि नागा और कुकी पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं। यही वजह है कि मैतेई भी एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। अगर उन्हें भी एसटी का दर्जा मिल जाता है तो वे भी जमीन के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बस सकेंगे। नागा और कुकी इसके खिलाफ है। मणिपुर 2.5 महीने से हिंसा में जल रहा है। कुकी समुदाय की ओर से निकाली गई रैली में हिंसा भड़क गई थी। तब से ही राज्य में मैतेई और नागा कुकी के बीच हिंसा हो रही है। अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने जांच आयोग और शांति कमेटी का गठन तो किया है, लेकिन अब तक कुछ भी हल नहीं निकल पाया है। अब देखना होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार जलते हुए मणिपुर को कितने जल्दी शांत कर सकती है। अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार की विशेष रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।